कितने बच्चों को लगता है कि वो अभी आजाद हैं? कितनों को लगता है कि वो आजाद नहीं हैं? अब तुम बताओ, तुम आजाद क्यों नहीं हो? क्योंकि आजकल मतलब इतना ज्यादा वो हो गया कि किसी को समझता ही नहीं है, एक दूसरे को मतलब मार देते हैं, किक देते हैं, किसी की हेल्प ही नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते हैं कि मारते हैं अपने बच्चों को, मारते हैं काम भी करवाते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा चाहिए। जैसे मैं बचपन में लड़कियों को बाल धुला करा नहीं देते हैं। मनीष कनौजिया है, फुर्सत नहीं पाते हैं और वो हमेशा कपड़े धुलता रहता है, कभी कपड़े प्रेस करता है, तो उसको भी आ जाता है। बाहर निकलते हैं तो मैं डर लगा रहता हूँ। जैसे कि मेरी नानी है, मेरी नानी घर पे रहती, मेरे नाना कहीं भी जाते मेरी नानी को तो हाँ। पापा मेरे को जानने से कहते हैं घर में खेलना तो खेलना, बाहर नहीं जाना। बॉस जो होता है वो अपने नौकरों को आजादी नहीं देता, उनको नौकरों को भी आजादी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त को भी कोई झंडे को एक सम्मान ही देता है, बस एक वो मार्शल के लिए खरीद लेते हैं कि सबके हाथ में है तो हम भी क्यों ना खरीद लें और उसको दिखाएं। मगर अगर उसको इज्जत की बात होने कही तो कोई उसको उस तिरंगे को उस दिन भी इज्जत नहीं देता है, उस दिन सब और उस दिन के बाद तो 100 पीस भी खत्म हो जाता है। एक दिन लड्डू काट दिया, चलो हम लोग आजाद थे, आज के दिन आजाद हुए थे, लड्डू खा लो, आज़ादी की लड्डी खाओ और अपने अपने घर जाओ। वही और सब दिन गुलाम थे, बस 15 अगस्त आता है उस दिन आज़ाद हो जाते हैं, बस उसी दिन तिरंगा को बड़ा शान सवरत से सजाया जाता है, उसके बाद शान सवरत को तिरंगा नाले पड़ा हो जाएगा। दिन बच्चों के हिसाब से देशभक्ति का मतलब क्या होता है? दीदी के जैसे उसमें बहुत बच्चे किसी के यहाँ बंदी बने हुए हैं, उनको बचाना चाहिए, मतलब जैसे काम करते हैं। देशभक्त वो होता है जो अपने देश का हर एक से एक चीज की सामान संभाल कर रखे, दूसरों का भला सोच के। वेरी गुड। अच्छे काम करने से। कैसे अच्छा काम? मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए, सबकी बात सुनना चाहिए, कोई किसी दूसरे सबकी इज्जत करनी चाहिए। वेरी गुड। तुम्हारा